फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये डिजाइन का बैग बनाएंगे। फ्रेंड्स, तीन कलर से बैग बनाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, तीन कलर का वेयर चाहिए। यहाँ पे पिंक, वाइट और ग्रीन यहाँ पे डाल के हम बनाएंगे। ये बैग बनाने के लिए टोटल 42 वेयर चाहिए। उसके बाद वाइट आपको 32 वेयर कट करना है और ग्रीन 10 वेयर। हर एक वेयर को 8 पीट करके कट कर लीजिएगा। मैंने बेस बना के कॉम्प्लीट कर लिया, आप देख सकते हो। बेस बनाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहाँ से आप देख के बना सकते हो बेस। चलिए अब हम बैग बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी सेम बनाना है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सेम बना लीजिएगा फ्रेंड्स। इसे करके उसके बाद फिर ये दो ग्रीन को लेके आपको इसे करके डबल करके बना लेना यहाँ पे भी। ऐसे करके अच्छे से तैयार करके बना लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो, वैसे बना के आप और दो कॉर्नर को भी बना लीजिएगा। जैसे यहाँ मैं बना के दिखा रही हूँ, वैसे बना के कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हमें बेसिक नोट बनाना है। ऐसे करके बना लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर इसमें भी हम सेम बेसिक नोट लेके बनाएंगे। यहाँ पे अच्छे से मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। यह हमारा कॉर्नर है तो थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरी वाली इस तरफ हम बनाए थे, अब यहाँ पे भी वैसे बनाएंगे।
अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ऐसे करके बनाइएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये इधर भी ऐसे करके वाइट बना लिया यहाँ पे भी। उसके बाद अब हम यहाँ पे बनाएंगे फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ बराबर है, यहाँ पे मैंने एक बना के रखी हूँ। तो अब हम यहाँ पे फिर यहाँ पे जैसे मैं बनाई वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे। तो अब ऐसे करके बेसिक नोट बना लीजिएगा यहाँ पे। ऐसे करके और फ्रेंड्स यहाँ से ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा दो वेयर है। तो हम यहाँ पे दो वेयर लेके यहाँ पे हमने बनाई थी। तो अब हम ये एक वेयर को कट कर देंगे, ये वेयर को अब हम कट कर देते हैं। उसके बाद इसको इसके अंदर डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं भी बाद में कर लूँगी, तो गाइस आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद इसको ऐसे ले कर आपको ये ग्रीन एक वेयर लेके आपको ऐसे करके बना लेना है। ऐसे करके बना लीजिएगा। फिर अब यहाँ पे भी हम बनाएंगे वैसे सेम। फ्रेंड्स ये बैग बहुत इजी है, आप भी आराम से बना सकते हो, बना लीजिएगा। इजी भी है और सुंदर भी है। ऐसे करके आपको बना लेना है फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। आमला नोट बनाएंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आप यहाँ आप देख सकते हो हमारा तीन वेयर है, इस तरफ तीन है और इस तरफ भी तीन है। तो आप ये वेयर ले लीजिएगा, ये वेयर को छोड़ के ये वेयर को लेके आपको ऐसे फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फिर दूसरी वाली वेयर को लेके उसको भी ऐसे करके फोल्ड कर लीजिएगा। उसके बाद ऐसे करके पकड़ लीजिए। उसके बाद ये दूसरी वाली वेयर को लेके फिर आपको ऐसे करके फोल्ड कर लेना है। यह आप देख सकते हो ऐसे करके। फिर ये वेयर को लेके आपको ये तीनों के तीनों वेयर के बीच में ऐसे करके ले लीजिएगा। उसके बाद फिर अब हम ये वेयर को ऐसे करके फोल्ड कर देंगे। फिर
आपको ये वेयर को ले लेना है। उसके बाद ये फार्स लूप में ऐसे करके डाल दीजिएगा। उसके बाद ये दूसरी, इसको फिर ये यहाँ पे ऐसे करके डाल दीजिएगा। फिर ये तीसरी, इसको भी यहाँ पे तीसरी लूप में डाल के आपको निकाल लेना है। ऐसे करके बना लीजिएगा। अब हम इसको टाइट कर देंगे, तो ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा। फिर ऐसे करके टाइट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो हमारा ऐसे अम्बला नोट आ जाएंगे। तो आप ऐसे करके टाइट कर लीजिए। ये वेयर को लेके फिर यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। ये वेयर को लेके तो ऐसे करके आप भी बना लीजिएगा। फिर ये दूसरी वाली वेयर को भी आपको ऐसे ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसे करके बेसिक नोट बना लीजिएगा। उसके बाद फिर ये दूसरी साइड का भी बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ा गैप रख दीजिएगा। यहाँ पे यहाँ आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गैप रख के बना रही हूँ। बाद में हम यहाँ पे दूसरी डिजाइन बनाएंगे, इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा गैप रख के बना लीजिएगा। ऐसे करके यहाँ आप देख सकते हो हमारा डिजाइन ऐसे आ जाएंगे। फिर अब हम ये दो वेयर को लेके फिर अब हम यहाँ पे ऐसे करके बना देंगे। तब हमारा ऐसे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे भी सेम बेसिक नोट बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे करके यहाँ आप देख सकते हो बना लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी अब हम बनाएंगे। तो आपको ये दो वेयर को ले लेना है, तो ये दो वेयर को ले लीजिएगा। ऐसे करके यहाँ पे भी बेसिक नोट बनाना है गाइस। यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे
बनाते जाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाई थी वैसे यहाँ पे भी बनाएंगे। फिर ये दूसरी साइड में भी बनाएंगे यहाँ पे भी। तो अब हम ये वेयर को कट करते हैं। ऐसे करके बनाइएगा फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये बैग, तो आप भी बना लीजिएगा। बाद में हम इसको भी अंदर डाल के फिनिशिंग कर देंगे गाइस, आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम डिजाइन बनाएंगे। ऐसे करके बना लीजिएगा फ्रेंड्स, बनाने का तरीका सब सेम है, कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे।
यहाँ आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे दो डिजाइन बन गए। अब हम फिर यहाँ पे सेम डिजाइन बनाएंगे, यहाँ पे जैसे बनाई वैसे यहाँ पे फिर से सेम डिजाइन बनाएंगे। कोई चेंजेस नहीं है गाइस, यहाँ पे जैसे मैं बना के दिखा रही थी वैसे यहाँ पे भी सेम आपको बना लेना है। तो आप ऐसे करके पूरी बैग बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपकी पास नोटिफिकेशन आ जाए। आप देख सकते हो अब हम फिर से यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इतना तीन बना लिया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे भी फिर सेम यहाँ पे जैसे बनाई थी वैसे यहाँ पे भी बना लीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं है, बनाने का तरीका सेम है। यहाँ आप देख सकते हो मैंने ये साइड में भी यहाँ पे भी इतना बना के कंप्लीट कर लिया। फिर आप ये साइड से सेम इसमें भी ये सेम डिजाइन यहाँ पर भी बना के पूरी बैग बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इतना बना लिया, सेम है बनाने का तरीका फ्रेंड्स, तो आप भी वैसे सेम बना लीजिएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे हम एक बनाएंगे ये सेम डिजाइन, यहाँ पे भी एक बनाएंगे, उसके बाद हम कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स। साइड में ऐसे करके बेसिक नोट बना लीजिएगा फ्रेंड्स, और ये साइड में भी आपको सेम वैसे बेसिक नोट बना लीजिएगा।
अब यहाँ पे हम ये डिजाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बनाते हैं, ऐसे ले लीजिएगा। ऐसे यहाँ देख सकते हो, फिर अब हम टाइट कर देंगे। ऐसे करके बना लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर ये वेयर को लेके यहाँ पे बेसिक नोट बनाना है। अब बन गए हमारा डिजाइन, यहाँ आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक नोट बनाना है गाइस। यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा पूरी बैग बनके कंप्लीट हो गए। ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे करके रख दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो हमारा डिजाइन ऐसे आ जाएंगे फ्रेंड्स। आप इसको, ये बैग को ऐसे करके भी बना सकते हो, या फिर आप ऐसे डिजाइन डाल के भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक साइड का बना के यहाँ पर मैंने कॉम्प्लीट कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फिनिशिंग भी कर लिया। तो अब हम ये साइड का भी वैसे बना के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम इसको कैसे फिनिशिंग करते हैं वो मैं करके दिखाती हूँ। तो आप अच्छे से ये सब टाइट कर लीजिएगा, तब हमारा फिनिशिंग अच्छे होते है, अच्छी दिखती है। तो आप अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे ये वेयर को लेके आपको ऐसे एक्स करके ले लेना है। ऐसे करके ले लीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके। तो अब हम ये वेयर को ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे डाल देंगे ये वेयर को।
ऐसे करके इसके अंदर तक डाल के निकाल देंगे फ्रेंड्स। इसके अंदर तक डाल दीजिएगा। उसके बाद ये दूसरी वेयर को भी लेके आपको इस साइड में डाल दीजिएगा। ऐसे करके डाल दीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने इसको इसके अंदर तक डाल के यहाँ पे मैंने बना लिया, तो आप भी ऐसे डाल के बना लीजिएगा। अब हम ये वेयर को भी, यहाँ आप देख सकते हो, अब हम ये वेयर को भी लेके इसके अंदर फिनिशिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप ये फर्स्ट रो को छोड़ दीजिएगा इसको, उसके बाद सेकेंड रो में डाल के हम यहाँ पे फिनिशिंग कर देंगे इसके अंदर डाल के। इसे डाल के निकाल दीजिएगा ऐसे करके। ऐसे करके अंदर तक डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये दूसरी वाली वेयर को लेके फिर इसको इस साइड करके हम फिनिशिंग कर देंगे। तो आप इसको भी ये फर्स को छोड़ के ये सेकेंड रो में आप ऐसे करके डाल लीजिएगा, ऐसे करके डाल दीजिएगा। अच्छे से टाइट कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल के बना लिया। तो आप भी सबको वैसे ही सेम करके बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे करके आप अंदर तक डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो ऐसे आ जाएंगे। तो सबको आप ऐसे करके फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं पूरी बना के दिखाती हूँ। तो हमारा फिनिशिंग ऐसे आ जाएंगे। तो गाइस आप भी बना लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हमारा फिनिशिंग कंप्लीट हो गए। यहाँ आप देख सकते हो इस साइड में मैंने पूरी डिजाइन भी बना के कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब हम इस साइड में ये डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम बनाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम मेजरमेंट करते हैं। उसके लिए आप ये पिंक वेयर ले लीजिएगा ऐसे करके, एक दो तीन और यहाँ पे आप देख सकते हो 22। इसमें मैं 22 में कट कर रही हूँ फ्रेंड्स। ऐसे करके कट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको ये वेयर को ऐसे करके कट कर लीजिएगा। तो हमारा बनाने में इजी रहते हैं इसीलिए यहाँ पे ऐसे करके कट कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स अब ये डिजाइन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ये वेयर पिंक को लेने के बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पे पहले ऐसे करके फिनिशिंग कर लीजिए इसके अंदर डाल के। ये पिंक वेयर को लेके फ्रेंड्स आपको
इसमें इसके अंदर डाल लीजिएगा ऐसे करके। ऐसे करके डाल लीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम ये वेयर को इसके अंदर डाल के निकाल देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे करके। उसके बाद अब हम बनाएंगे। अब फ्रेंड्स ये गैप को छोड़ दीजिए, एक गैप छोड़ के फिर आप ये दूसरी गैप में डाल के ऐसे करके इसके अंदर डाल के निकाल दीजिएगा। इसके अंदर डाल के फिर ये दूसरी गैप में निकाल दीजिए ऐसे करके। ऐसे करके निकाल दीजिएगा, फिर आप अच्छे से ऐसे करके तैयार कर लीजिए। फिर यहाँ पे डाल के फिर इसकी अंदर से निकाल देना है। इसके अंदर से निकाल देना है फ्रेंड्स। इसे अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हो ऐसे आ जाएंगे। ऐसे करके यहाँ आप देख सकते हो ऐसे करके निकाल लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट डे, अब हम इसके अंदर डाल के इसको निकाल लेंगे। यहाँ आप देख लीजिए इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा। ऐसे करके निकाल लीजिएगा, फिर हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं। ऐसे करके यहाँ आप देख सकते हो हमारा एक ब्लोअर का डिजाइन यहाँ पे बन गए। ऐसे करके बना लीजिएगा। अब हमारा बन गए। उसके बाद फिर हम इसको अंदर से निकाल देंगे। यहाँ आप देख सकते हो, आप यहाँ पे डाल लीजिएगा इसके अंदर ऐसे करके।
उसके बाद ऐसे करके निकाल दीजिएगा ऐसे करके। ऐसे करके फ्रेंड्स निकाल लीजिए। आप चाहो तो वेल छोटा करके भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं लंबी लेके बना रही हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स ये इसके अंदर से ऐसे करके निकाल लीजिएगा। फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे। ऐसे करके फ्रेंड्स ये वेयर को आप इस अंदर तरफ, फ्रेंड्स ये वेयर को आपको अंदर नहीं डालना है, ये साइड बाहर तरफ में आपको रख के बनाना है। तो ऐसे करके, तो ऐसे करके बना लीजिएगा। ऐसे करके बना लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद अब हम ये वेयर को इसके अंदर डाल के फिर से निकाल के दूसरी वाली बनाएंगे। ये पहले जैसे मैं डाल के बना के दिखा रही थी वैसे डाल के फ्रेंड्स यहाँ पे निकाल के आप यहाँ पे भी बना लीजिएगा। सेम बनाने का तरीका सेम है, तो वैसे बना के आप कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ये दूसरी साइड का हैंडल बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरे साइड का यहाँ पे हैंडल बनाएंगे। तो आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने सेम मेजरमेंट लेके अब हम यहाँ पे वेयर को डाल के बनाएंगे। हैंडल के लिए यहाँ पे आप देख लीजिए चार वेयर कट कर लीजिएगा पाइप पीट करके। यहाँ पे मैंने चार वेयर कट कर लिया पाइप पीट करके, तो आप भी वैसे करके कट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं
चार वेयर को ऐसे करके रख लीजिएगा, यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल के हम निकालेंगे, तो ऐसे करके चारों वेयर को बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ से निकालना है, तो ऐसे करके आप निकाल लीजिएगा। ऐसे बराबर करके यहाँ पे मैंने दोनों वेयर को बराबर कर लिया। उसके बाद चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बुनना। तो पहले आप ऐसे करके ले लीजिएगा राइट तरफ से, फिर उसके बाद लेफ्ट तरफ से ऐसे करके ले लीजिएगा एक्स करके। जैसे हम बाल बेनी करते हैं वैसे यहाँ पे भी बेनी करना है फ्रेंड्स। ऐसे करके ले लीजिएगा। उसके बाद फिर ये पिंक को लेके आपको इसके नीचे डाल के फिर ऐसे करके ऊपर नीचे करके लेना है। उसके बाद फिर ये वाइट को लेके इसके नीचे लेके फिर इसके ऊपर ऊपर नीचे करके लेना है, बस लेफ्ट राइट करके। उसके बाद फिर ये इसको इसके ऊपर से फिर इसको इसके नीचे फिर इसको भी सेम बनानी है फ्रेंड्स। ऐसे करके ले लीजिएगा फ्रेंड्स लेफ्ट राइट करके दोनों को। जैसे हम बाल बेनी करते वैसे सिर्फ वैसे करनी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सब वेयर ले लिया। उसके बाद अब हम ये वेयर को लेफ्ट का ये वेयर को ले लीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे लेके आपको उसके बाद ये वेयर को आपको ये दो वेयर के यहाँ आप देख लीजिए यहाँ पे पिंक और वाइट है ये दोनों के बीच में आपको ऐसे करके निकाल लेना है। तो ऐसे करके उसके बाद फिर सेम प्रोसेस है ऊपर नीचे करके यहाँ पे आप देख लीजिए ये वैसे करके आपको लेना है। उसके बाद फिर ये वाइट को ले लीजिएगा इसको भी फिर ऐसे नीचे लेके उसके बाद फिर ये वाइट और पिंक के ये बीच में हम डाल के बनाएंगे। इसके अंदर निकाल के बीच मिडिल से निकाल के फिर आप हम यहाँ पे भी जैसे बाल बेनी करते वैसे ऊपर नीचे करके बनाएंगे। यहाँ पे सेम प्रोसेस है फ्रेंड्स, सबको वैसे बना के आपको कंप्लीट करना है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे वैसे बना लीजिएगा। बनाने का तरीका सेम है फ्रेंड्स। ऐसे करके फ्रेंड्स आपको नीचे से एक लेफ्ट एक राइट करके लेके बुनते जाना है। यहाँ पे बो दीजिए, आप आराम से बना सकते हो। आप इसको अच्छे से टाइट कर लीजिएगा फ्रेंड्स ऐसे करके। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तब हमारा फिनिशिंग अच्छा रहता है।
तो अब अच्छे से टाइट करके बना लीजिए। ऐसे सेम बना के कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे मैंने दोनों को हैंडल को यहाँ पे बराबर कर लिया। उसके बाद अब हम इसके अंदर डाल के अब हम निकाल देंगे। तो उसके लिए आप ये वेयर को इधर इसके अंदर डाल दीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद फिर ये दूसरी वाली वेयर को भी लेके आपको इसके अंदर ऐसे करके डाल दीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेम बराबर लेके यहाँ पे डाली हूँ। वैसे करके आप भी इसके अंदर बराबर लेके मेजरमेंट करके डाल दीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अब इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे दोनों तरफ का ऐसे करके पूरी कट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो इसके अंदर ऐसे डाल के निकाल लीजिएगा ऐसे करके। हर एक रो में डाल के आपको ऐसे करके फिनिशिंग कर लेना है गाइस। ऐसे करके आप अंदर तक डाल के फिनिशिंग कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपको ये दूसरी साइड का इस तरफ का वेयर को लेके आपको फिर इस तरफ क्रॉस करके ऐसे करके फ्रेंड्स पूरी आपको फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लेना है। तो आप ऐसे करके फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दोनों को ऐसे एक्स करके ऐसे करके लेके इसके अंदर सब में डाल के फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हो बैग बन के कॉम्प्लीट हो गए, कितनी सुंदर लग रही है। तो आप भी वैसे बना लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और नई डिजाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।